साथियों आदाब, आपका इस्तकबार हमारे चैनल शमय उर्दू हिंदी में। आज हम करेंगे पेंटिंग का क्वेश्चन पेपर थ्योरी वाला, जो कि आपका आएगा। कैसा आएगा, कितने मार्क्स का आएगा, ये सारी डिटेल 12वीं क्लास का है ये, ठीक है। 12वीं क्लास का यहाँ पे आप कोड देख सकते हैं, 332 है और NIOS, ठीक है। आज हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, बुक भी रख ली हमने और क्वेश्चन पेपर भी रख लिया। तो पहले मैं आपको समझा दूँ ये क्वेश्चन पेपर कैसे करना है और क्या इसकी मतलब क्या प्रोसीजर है इसका, सारी चीज़ें हम इसमें समझ लें ताकि आसानी से आप कर सकें। तो थ्योरी के अंदर जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, सबसे पहले आप यहाँ अपना रोल नंबर लिखिएगा और यहाँ पे जिस डेट में होगा और जिस दिन होगा वो लिखेंगे और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना। इसके बाद जो है यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, इस सवालनामे में कुल 15 सवाल और 4 अवराफ हैं, यानी 4 पेजेस हैं। फिर उसके बाद इसे आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि तालिब इल्म सवालनामे के पहले सफ़े अपना नोट नंबर लिखना ज़रूरी है। मेहरबानी करके अपने सवालनामे को जांचने के तमाम सफ़ात और सवालात की उतनी ही तादाद है जितनी पहले सफ़े की सबसे ऊपर छपी है। इस बात की भी जाँच करिए सवालात सीरीज में है, ये सब आपको चेक करना। तालिब इल्म की कापी में अपने रोल नंबर के अलावा अगर कोई पहचान का निशान या कोई हिदायत लिखता है तो उसे इम्तिहान से खारिज, अगर आप कोई जो है हिंट या निशान बनाते हैं तो आपको इम्तिहान से खारिज कर दिया जाए। अपने जवाब की कॉपी पर सवालनामे का कोड सेट ए और ये सब लिख। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, आपको दिखा भी देता हूँ किस तरह का होता है पेंटिंग थ्योरी। और आपको जो है 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा और कुल मार्क्स होंगे 30, क्योंकि इसके प्रैक्टिकल के बहुत ज़्यादा मार्क्स होते हैं। और नोट पढ़ लेते हैं कि हर सवाल के मार्क्स उसके सामने दिए गए हैं। 1 मार्क्स वाले सवाल का जवाब 15 लफ्ज़ों में, 2 मार्क्स वाले का जवाब 30 लफ्ज़ों में और 3 और 4 मार्क्स वालों का जवाब तकरीबन 50 लफ्ज़ों में दीजिए। तो सबसे पहले जो पहला सवाल है वो ये है कि पहाड़ी मुसव्विरी के तरीक़ेकार पर मुख्तसर नोट लिखिए, मतलब पहाड़ी मुसव्विरी कैसी होती थी। तो मेरे पास किताब है, मैं आपको किताब से बताऊंगा कि किस तरह से आपको करना है। मैं यहाँ पे पेजेस खोल रहा हूँ, हर सवाल का जवाब मैंने यहाँ पे निकाल रखे हैं आपके। तो इसमें जो है बता रखा है कि पहाड़ी मुसव्विरी के बारे में, ठीक है जी। ये फ़ोटो है यहाँ पे और ये चंपा के राज्य जीत सिंह और कांगड़ा के राजा संसार चंद, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने दे रखा है उनवान के चंपा के राजा के बारे में, सारी चीज़ें मतलब यहाँ पे इन्होंने दे रखी हैं। तो इसका जवाब जो हमारा है वो ये है कि राजा संसार चंद फन का अजीम कदरदान और सरपरस्त, उसकी दूर पहाड़ी मकतब की हिंदुस्तानी मुसव्विरी का सुनहरा दौर था, ठीक है। तो ये बात आप लिखेंगे उसमें, मजकूरा तस्वीर पहाड़ी रियासतों से दो हुक्मरान और फन की कदरदानों की दोस्ती के दस्तावेज पेश करती है। इसके बाद आप ये लाइनें मतलब 4-5 पॉइंट लिख दीजिएगा और आपका जवाब सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है कि वाला सवाल आपके समझ आ गया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल जो है वो है कि दक्कन स्कूल मुसव्विरी पर 5 सत्रे लिखे, यानी 5 लाइनें लिखनी है। तो इसका जवाब भी मैंने निकाल रखा है, मैं आपको जो है डायरेक्टली इस जवाब पर ले चलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ गए हम जवाब पे डायरेक्ट के दक्कन स्कूल क्या थे और जो है क्या है। पेश कीमत और नीम पेश कीमत और साथ ही रंगों की राइज, और जो है दक्कन, यहाँ से आप शुरू लिखेंगे दक्कन में, ये राइज हो गया दक्कन स्कूल के बारे में है। तो यहाँ पे मैं आपको इसका जवाब दिखा रहा, ठीक है, यही इसका जवाब है। और आप जो है इसमें से सारी बातें लिख सकते हैं कि कृष्ण राधा विष्णु और मकबूल मरकज़ी ख्याल में, तालीम की देवी यानी देवी सरस्वती की तस्वीर तख्त पर बैठी हुई, और ये सारी बातें आप इसमें लिख सकते हैं। अगला सवाल जो है तीसरा वो है कि कंपनी स्कूल मुसव्विरी की तस्वीर परिंदे में इस्तेमाल तकनीक की वजाहत है, मतलब जो है कंपनी स्कूल मुसव्विरी की जो तस्वीर परिंदे में है इस्तेमाल तकनीक मतलब कैसे बनाई है उसको बारे में बताना है। तो इसका भी जवाब मैंने निकाल रखा आपके लिए। तो यहाँ पे देखते हैं, देखिए परिंदे की तस्वीर है, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे दिख जाए, ठीक है। ये चिड़िया की तस्वीर है परिंदे की और यहाँ पे क्लियरली बना हुआ है आपको समझाने के लिए। अब इसके बाद इन्होंने
जो सवाल करा वो ये है कि कंपनी मुसव्वरी स्कूल मुसव्वरी की तस्वीर परिंदे में इस्तेमाल तकनीक की वजाहत करें, मतलब क्या चीज़ उन्होंने यूज़ करी है, क्या इसके अंदर करा है। तो इसका जवाब है, यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत साफ अल्फाज में कि ये वो तकनीक है जिसमें तस्वीर को पेंसिल के इस्तेमाल किए बगैर रास तौर पर ब्रश से बनाया गया है। इसे कचली यानी कापी स्याह भी, स्याह कलम या काली रोशनाई के तौर पर जाना जाता था। बगैर उनवान की ये तस्वीर कशी कागज़ पर स्याह रोशनाई में अंजाम दी गई, ठीक है जी। और ये सारी बात आप लिख सकते हैं इसमें से जो मेन मेन लग रही। तो ये हमारा जो है सवाल नंबर 3 था। अब सवाल नंबर 4 जो है उसको देख लेते हैं क्या है। सवाल नंबर 4 है हमारा कि सवाल नंबर 4 थोड़ा सा जूम आउट कर दें ताकि सवाल भी दिखे आपको और वो भी। इसमें लिखा हुआ है खजूरा हुआ वाक़ खंडर या महादेव मंदिर क्यों मशहूर है, इसकी तामीर कब हुई थी, ठीक है जी। तो इसका जवाब भी मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है आपके लिए, ठीक है। डायरेक्ट मैं उसी पर आ जाता हूँ ताकि आपका टाइम भी बचे और जो है जल्दी से हो जाए। तो यहाँ पे जो है खंडर महादेव मंदिर, देखिए ये केंद्रीय महादेव मंदिर है और इसकी ये तस्वीर है। अब इसके बारे में लिखा है इसकी तामीर कब हुई और क्या है। तो इसकी जो तामीर है उसके बारे में बता दूँ आपको, इसकी अहद जो है चंदल ख़ानदान 10वीं सदी ईस्वी में इसकी तामीर हुई। और वाकई महादेव क्यों मशहूर है इसके बारे में हम यहाँ लिखते हैं, महादेव जो है क्यों मशहूर है, क्यों फेमस है, ठीक है जी। तो ये जो है क्यों मशहूर है, केंद्रीय महादेव खजूर की तामीराती तर्ज का निहायत शिकवा और सबसे बड़ा मंदिर है। ये मुकम्मल तनासुब और बेहतरीन आराइश वाला मंदिर है। वेसरा तर्ज में हिंदुस्तानी मंदिरों की तर्ज में गुमदा उसूलिया भी। मंदिर का बिलवौरगी पत्थर से तामीर किया गया। मंदिर की कुर्सी पर मुजस्मों के 3 झंडे बने हुए। ये सारी बातें आप इसमें लिख सकते हैं, जितना लिख सके 4-5 पॉइंट, ठीक है। उम्मीद है वाला सवाल भी समझ में आ गया होगा। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं, यानी सवाल नंबर 5 की तरफ। तो सवाल नंबर 5 है कि संगतराशी मजदूर की जीत को किसने बनाया है, ये मूर्ति क्या जाहिर करती है। तो इसका जवाब भी मैंने निकाल रखा है। देखिए मजदूर की कामरानी, कामरानी जीत को कहते हैं। तो ये तस्वीर जो है कह रहे हैं कि क्या जाहिर करती है, ठीक है, मजदूर की जीत। तो पहले तो ये बताना है कि ये किसने बनाया और ये क्या जाहिर कर। तो इसे जो है आर्टिस्ट जो है ये बनाया है देवी प्रसाद राय चौधरी ने, आर्टिस्ट है इन्होंने बनाया है। ये मूर्ति क्या जाहिर करती है इसके बारे में हम इसमें से जवाब निकाल सकते हैं। हिंदुस्तानी फन मंजर में इंतहा मुमताज़ फनकारों में डीपी राय चौधरी थे। वो कश्ती शाहकार के मशगले और मौसम थे, वो नुमाइशों के इनका में। उनका कहना था मैं अपने मामूली स्टूडियो के तरह का कदीम और मुकदस मंदिर समझता हूँ जो फन की ताज, ठीक है जी। ये सारी बातें तो इसमें हैं, लेकिन मेन चीज़ जो हमें जो निकालनी है वो ये आज़ादी हासिल करने के लिए हिंदुस्तानियों ने की थी उसको पेश कर रहा है, ठीक है जी। ये तस्वीर इस बात को पेश करें। और अगर अपने पास से कुछ पॉइंट लिखना चाहते हैं आप तो लिख सकते हैं। अगला सवाल तो भाई बहुत ज़्यादा फेमस है, इसमें लिखा हुआ है कि अगले सवाल में, सवाल नंबर 6 में, कि ताजमहल, ताजमहल की तामीर में किस तरह के पत्थर का इस्तेमाल किया गया, इसे मकबरा क्यों कहा जाता है, ठीक है जी। इसे मकबरा क्यों कहा जाता है, बहुत अच्छा सवाल। पहले तो आपको मैं ताजमहल दिखाता हूँ। ये आ गया जी हमारा ताजमहल, दुनिया का 7वां अजूबा है। अब इसमें इन्होंने पूछा है कि ताजमहल में किस तरह के पत्थर इस्तेमाल किया गया है और इसे क्यों कहा जाता है। इसका जवाब तो पहले का मिल गया, सफ़ेद संगमरमर का पत्थर इस्तेमाल, ठीक है। और इसे जो है वो क्यों कहा जाता है मकबरा, इसका जवाब यहाँ मिल जाएगा। इस इमारत में 2 कब्रें हैं, एक शाहजहाँ की बीवी मुमताज़ और दूसरी खुद उसकी। दरहकीकत यह यादगार इमारतें कब्रों पर तामीर कराई गई हैं, इस कब्रों को मकबरा कहा जाता है, ठीक है जी। ये इसका जवाब है। और अगर आपको जो है और लिखना है तो मैं पूरा दिखा देता हूँ, अगर आपको कुछ इसमें से देखना है तो आप इसमें से देख लीजिए। उम्मीद है कि वाला सवाल भी आपके समझ में आ गया होगा।
अब देखते हैं अगला सवाल क्या है हमारा। अगला सवाल है कि सवाल नंबर 7 कि मुगल खोर्द मुसव्विरी में इस्तेमाल अशिया है और तरीक़े की वजाहत, यानी मुगल जो मुसव्विरी में किस चीज़ के अशिया का इस्तेमाल किया जाता था और उसका क्या तरीक़ा कार था। ठीक है जी, तो इसका जवाब भी हमें मिल गया है, जवाब निकाल रखे हैं मैंने सबके। तो इसका जवाब जो है ये यहाँ पे आ गया भाई, मुगल मुसव्विरी में इस्तेमाल अशिया क्या थी। तो यहाँ पे आप ये सारे मुग़ल के बारे में देख सकते हैं कि ये उन्होंने जानदार तस्वीर और नासिर। तो इसमें जो है यहाँ पे आप ये देखते हैं इब्तदाई खाका कशी सुर्ख रोशनाई की जाती थी, शुरुआत में कागज़ का मोहताज तौर पर चमकाया जाता था, इसके बाद कागज़ पर सफ़ेद रंग की बारीक रंगकारी की जाती थी। ठीक है, ये इसके जो है वो है इस सतह पर मुसव्विरी एलिमिनेशन या अंडे मिले रंगों से की जाती थी, आखिर में ज़रूरत पड़ने पर सोने का इस्तेमाल किया जाता और पूरी पेंटिंग को फिर चमकाया जाता। तो ये भाई इसके सवाल का जवाब है और आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला सवाल है जो सवाल नंबर हमारा क्या है 8 के निहाल चंद के ज़रिए बनाई गई किस मुसव्विरी को आप तारीफ़ करेंगे और क्यों वजाहत करें। तो निहाल चंद के ज़रिए जो बनाई गई मुसव्विरी है उसकी तारीफ़ करेंगे और क्यों वजाहत करें। तो इसका भी जवाब मैंने निकाल लिया और जवाब यहाँ पर आ गया। तो देखिए यहाँ पे जो है निहाल चंद के ज़रिए ये बनाई गई तस्वीर है, तस्वीर में जो है आप देख सकते हैं कि राधा और कृष्ण एक दूसरे को पान की फुलवारी क्लोरी पेश करते हुए। अब इनमें जो निहाल चंद है इनकी जो तस्वीर है मतलब मुसव्विरी उसकी तारीफ़ यहाँ पे लिख रखी है, सफ़ेद चादर से ढके बिस्तर पर राधा की तस्करा एक दूसरे को पानी की फुलवारी पेश कर रहे हैं, उनके खदमा किसी मौसीकार जो उनका दिल बहला रहा है। ये तस्वीर रिवायती किशनगढ़ अंदाज में बनाई गई है और ये सारी उसकी खसूसियात है, आप इसमें से देख लीजिएगा। और ये जंगलों का तसव्वुर फिज़ा में गहरेपन का एहसास पैदा करती है और ये इसकी वजाहत है, इसी वजह से इसकी तारीफ निहाल चंद के बाद। ठीक है, ये भी सवाल पूरा हो गया हमारा। अगला सवाल जो है सवाल नंबर 9 है, सवाल नंबर 9 देख लेते हैं। सवाल नंबर 9 है कि ठहरा कोटा किसे कहते हैं। मोहनजोदड़ो से हासिल माँ देवी के नाम की मूर्ति पर मुख्तसर नोट लिखिए। ठीक है जी, 2 नंबर का क्वेश्चन है, मुख्तसर नोट लिखना, चलिए करते हैं। तो ये मैंने इसका जवाब निकाल लिया है, टेराकोटा मोहनजोदड़ो में माँ देवी, देवी माँ कह रहे हैं, माँ देवी ये उनकी तस्वीर यहाँ पे बनाई गई है। उसके बाद जो है यहाँ पे लिखा है कि इन पर मुख्तसर नोट लिखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर्टिस्ट ने अच्छी चिकनी मिट्टी से इस मूर्ति को बनाया, फिर आग में इसे पकाने के तरीके को इसको प्रोसेस कहते हैं। यह मूर्ति टेराकोटा पकी हुई मिट्टी का एक बेहतरीन मिसाल है और ये सारी बातें इसकी बड़ी खूबी के साथ इस तरह बनाया गया है, पूरी तरह बेदाग लाल रंग की है, बाद स्कूलों ने इसकी शनाख्त देवी माँ के तौर पर की है। सही है, तो इतना भी लिख देंगे आप, 2 नंबर में तो बहुत है, और अगर ज़्यादा लिखना है तो भाई ये नीचे लिखा हुआ है इसमें से आप देख लो। तो ये मैंने आपके लिए अगला सवाल, अब हम करते हैं सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 है हमारे सामने, सांची के बड़े स्तूप पर चंद सत्रे लिखें और उसका अहद बताएं, सांची के बारे में बताना है। तो इसका भी जवाब मैंने निकाल के रखा था। ठीक है, ये सांची का स्तूप है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा है, पर यहाँ इसका भी देखिए सांची का स्तूप है, और बुद्धों का मुकद्दस मकाम। ठीक है, और ये बालू पत्थर का बना है और ये मध्य प्रदेश में स्तूप अव्वल सांची का बहुत बड़ा स्तूप है, इसे महास्तूप के तौर पर इसे अशोक के ज़माने में तामीर किया गया, इसे वो के ज़रिए मौजूदा साइज में इसकी तोसी गालिबा स्तूप के अंदर शाकिया मनी बुद्ध की मुकद्दस वाक़ात का हिस्सा रखा गया है। 1 सदी कब्ल मसीह में निफ्स के दौरान सतोहान ने खूबसूरत नक्काशी के 4 दरवाजे या तवाजुन नष्ट किए। तो ये इसका जवाब है सवाल नंबर 10 का,
इसका अहद भी बताना है। तो तीसरी सदी कबल मसीह से पहली सदी ईस्वी, ठीक है जी, ये इसका अहद है, ये आप लिख दी। अब जो अगला सवाल, अब से 10 सवाल तो हो गए, 5 सवाल बचे हैं। सवाल नंबर 11 के अंदर कहा गया है कि अजंता में वाक़ मुसविरी पूमा पानी बोधि सतुआ की वजाहत कर, तो इसकी वजाहत कर देते हैं। ये जो है पदम पानी बोधा सतुआ, तो ये आप देख सकते हैं इनकी तस्वीर, इनके बारे में वजाहत करनी है, ठीक है। तो इनकी वजाहत का मतलब ये होता है भाई कहाँ तस्वीर है, ज़रिया क्या है, अहद 5वीं सदी ईस्वी है, दरियाफ्त का मकान अजंता कब है, इसकी हाइट क्या है। ये मुसविरी हिंदुस्तान की फ़न की शाहकार समझी जाती है, हल्का सा झुकाव लिए हुए जिस्मानी अंदरूनी कैफियत उसमें दिलकशी पैदा करती है, चेहरे के नफीस से खदोखाल और नीचे की तरफ झुकी आँखें तमानियत और महवियत और इस्तकराक और दिलमंदी का तासुर पेश करती हैं, और इसके गले में मोती व नीलम का हार पहन रखा है, इससे अपने दाएँ हाथ में नीला कमल दे रखा है, मुजस्मे का साइज। इसमें से 4-5 पॉइंट निकाल के लिख देना भाई, बहुत है, जवाब हो जाएगा आपके समझ में। ये तो मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके दिखा रहा हूँ ताकि आप पेपर में परेशान ना हो। तो अब अगला सवाल जो है वो है रणबिंदर नाथ टैगोर के फ़न पर एक मुख्तसर नोट लिखी, तो इसका भी जवाब मैंने निकाल के रख रखा है, तो मैं आपको इसका जवाब दिखाता हूँ। ये आइए, वैसे बड़ा बारीक है इनके बारे में, यहाँ तो बहुत बारीक लिखा हुआ है कि कलकत्ता के मशहूर टैगोर, मैं आपको इसका जो है वाला जवाब दिखाता हूँ, यहाँ पर बिल्कुल क्लियर इनके बारे में। ये खातून का चेहरा, ठीक है, बनाया उनवान खातून, किसने बनाया थे, रणबिंद्र नाथ टैगोर 1937 में, ठीक है, और इसका साइज़ वाइज सब दे रखा है। इनके फ़न के बारे में मुख्तसर नोट लिखना है, मुख्तसर नोट का मतलब है कि 2 नंबर में रणबिंद्र नाथ टैगोर ने शांति निकेत में एक काला भवन कायम किया और उपेंद्र नाथ टैगोर, नंदलाल बोस और दीगर को अपने साथ शरीक किया। अगरचे वो मकतब बंगाल के मुसविरों के हमासर थे, लेकिन क्लासिकी हिंदुस्तानी फ़न या हिंदुस्तानी मज़गर मुसविरी की रोमानियत से उन्होंने कोई तहरीक नहीं हासिल की थी। इसके बाद ये सारी बातें आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, वरना इतना ही बहुत है, ठीक है जी। अब अगला सवाल जो आपके सामने है वो ये है कि सवाल नंबर तेरह है। अब 3 सवाल तो बचे हैं कि कलमकार मुसविरी पर एक मुख्तसर नोट लिखे, कलमकारी मुसविरी पर एक मुख्तसर नोट लिखे, तो ये भी आपको इसका जवाब मिल जाएगा। ये मैंने लिख दिया इसका जवाब, देखिए कलमकारी मुसविरी, कलमकारी यानी कलम से तैयार की हुई ये मुसविरी है, इतनी खूबसूरत है, तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं। कलमकारी जो है आंध्र प्रदेश के 2 गाँव मासोली पंटम और श्री क्लांसी कलमकारी की पेंटिंग के जो है मराकज माने जाते हैं। कलमकारी कपड़े पर बाँट रंगीन नकुश बनाने का तरीका और छपाई तकनीक से होता है। कलम जैसे एक खोल और आला मोम को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसे कलमकारी कहा जाता है। कपड़ों पर छपाई और डिज़ाइन के लिए ब्लाकसों का इस्तेमाल किया जाता है, रंगीन और छपाई दोनों के लिए निबाताती रंग का इस्तेमाल। ये सारी बातें आप लिख सकते हैं, मेन पॉइंट जो आपको अच्छे लगे वो लिख दीजिए, ठीक है जी। अगला सवाल है सवाल नंबर 14 के बंगाल स्कूल के अहम मुसविरों के नाम लिखें, बंगाल स्कूल मुसविरी के तरीक़ेकार के बारे में लिखें, 14वां सवाल है, तो इसका जवाब भी मैंने निकाल के रख रखा है। असल में निकालने में बहुत टाइम लगता है, इस वजह से मैं पहले निकाल के रख लेता हूँ ताकि इस टाइम आपको रहे। तो जो ये यहाँ पर आ गई भाई बंगाल की मुसविरी, ये आपके सामने देख सकते हैं मसलूब बना हुआ है, ठीक है जी। इसके बाद इसका जवाब है, यहाँ पर उन्वान है मसलूब कपड़े पर बना हुआ है, मकतब बंगाल और मगरबी तर्ज दोनों को मुस्तरद करते हुए जामनी राय ने अपने ख़ुद को तर्ज तख्लीक किया, इस तर्ज को बंगाल लोक आर्ट की शक्ल पर मबनी है, ठीक है। जामनी राय बंगाल में पैदा हुए और 16 साल की उम्र के थे, उन्होंने मुसविरी का मुताला कलकत्ता पूछे। ये सारी बातों में से कुछ 8-10 पॉइंट लिख देना भाई और नंबर आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। अब अगला सवाल है जो लास्ट है इसका, मैं आपको बता देता हूँ कि मधुबनी मुसविरी का अहम क्या है, मुसविरी में अहम क्या है। इस मुसविरी पर मिसाल के साथ एक मौजू नोट लिखें, तो 100 ये पेज नंबर 129 पे
मैंने आपके लिए ये लेडी निकाली, मधुबनी मुसव्विरी। ये सबसे पहले आपको पिक्चर दिखा देता हूँ, ये नीचे लिखा मधुबनी मथेला बिहार, मधुबनी बिहार में मथेला में। इसके बारे में लिखना है कि मुसव्विरी के अहम क्या है, मुसव्विरी मिसाल के साथ एक मौजू पर नोट। तो इसके मुख्तलिफ त्यौहारों के दौरान अपने घरों में दीवारों फर्श और सहन में तस्वीर कशी करते हैं। दिखाई गई तस्वीर जल देवी पानी की देवी की अक्कासी करती है। जल देवी एक ख्याली जानवर पर खड़ी पानी पर तैर रही है। देवी के चार बाजू हैं, इसमें दो पर कमल के फूल हैं और एक हाथ में चक्कर ले रखा है और दूसरे में शंख है। पस मंजर को पूरी तरह फूल और पट्टी के डिज़ाइन से ढका गया है। शक्लों की दो मुतवाजी बुनियाद बैरूनी खतूत से वाजी हुई। ये सारी बातें आप इसमें लिख दीजिएगा। तो ये यहाँ पे मैंने आपके लिए पूरा कर दिया। उम्मीद है कि आपको ये जो है पसंद आ गया होगा, और जिस तरह मैंने आपके लिए क्वेश्चन पेपर ये तैयार किया है। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। मेरा नंबर है 9136183233। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। शुक्रिया।